जोधपुर शहर में एक कार सवार महिला का पर्स चुराकर बच्चा गैंग के सदस्य देखते ही देखते चंपत हो गए। चोरी के वक्त महिला कार में मौजूद थी, लेकिन गैंग का एक सदस्य महिला को झांसा देकर कार से नीचे उतारने में कामयाब हो गया और मात्र 6 सेकंड में दूसरे मेंबर ने कार की पिछली सीट पर रखा पर्स चोरी कर लिया। सेकंड्स में कार से उड़ाया पर्स। जोधपुर का शातिर बच्चा गैंग। कार सवार महिला को मिनटों में दिया झांसा। जोधपुर शहर की स्टेशन रोड, यहां एक काले रंग की फॉक्सवैगन कार खड़ी है और इसके आसपास सफेद शर्ट पहने 12-13 साल का एक बच्चा मंडरा रहा है। आगे जो होने वाला है उसकी भनक कार में बैठी महिला को भी नहीं है और आप भी इस शातिर चोर की हरकत देखकर दंग रह जाएंगे। बच्चा लगातार कार के पास मंडराता हुआ कार में रखे सामान की टोह ले रहा है। तभी उसका एक और साथी सड़क किनारे रखे वाटर डिस्पेंसर से पानी पीने आता है। बच्चा इस दौरान कार के और नजदीक आ जाता है। पानी पीने के बाद बच्चे का साथी कार के नजदीक से निकलता है और कार में बैठी महिला को इशारा करके बताता है, आपका सामान और कुछ पैसे गिर गए हैं। इशारा करने वाला इसके बाद आगे बढ़ जाता है और महिला कार का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर निकलती है। इसी दौरान बच्चा गैंग का चोर भी महिला की कार का पिछला दरवाजा खोलकर सीट पर रखा पर्स उठाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला के पलटने पर झट से कार के दरवाजे से सटकर सीधा खड़ा हो जाता है। इसके बाद महिला सामान उठाने के लिए कार से कुछ दूर आगे बढ़ जाती है और इसी बीच शातिर चोर कार का पिछला दरवाजा खोलकर महिला का पर्स निकाल लेता है। जितनी देर में महिला जमीन पर पड़ा नोट उठाती है उतनी देर में बच्चा पर्स चोरी करके तेजी से कैमरे के सामने से ओझल हो जाता है। महिला को जब मामले की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। कुछ बच्चे आके मुझे बोला कि आपका सामान कुछ गिरा हुआ है और आपके बहुत सारा सामान गिर गया, पैसे वैसे भी गिर गए। तो मैंने जैसे ही कार खोली वो दो लड़के तो मेरे सामने से निकल गए, बट एक लड़का पीछे से मुझे पता नहीं कब मेरा पर्स लेके रवाना हो गया, भाग गया। बच्चा गैंग के चोरों ने जरा सा झांसा देकर सेकंड्स में महिला का पर्स चुरा लिया। नवीन दत्त जो